नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन में जो वैकेंसी निकली है डीईओ की, उसके लिए कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे हैं और आपने भरा है क्या? तो भरा है तो जरूर देखिएगा इन सभी वीडियोस को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए हैं वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे पर डे। ठीक है, पर डे आपको ये प्रश्न सारे मिलेंगे। तो आज क्यूज सेक्शन 1 है, तो इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा और ये पिछले वर्षों में पूछे गए बेल्ट्रॉन के क्वेश्चन है, तो आप लोग देखना ना भूलें और अटेंड करना ना भूलें इन सभी प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं NTPC RRB की, तो आपके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी लेकर आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी देखना ना भूलें और इसके PDF को डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए बेल्ट्रॉन में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो आज हम देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और कंप्यूटर का ये क्यू सेक्शन है, आप भी अटेंड कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको आंसर पते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है कि लो पावर यूएसबी डिवाइस को पावर सप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए, लो पावर यूएसबी डिवाइस अगर आपके पास है तो उसमें पावर सप्लाई कैसे किया जाता है, इसका आंसर आपको करना है। तो पावर केबल से, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से, सीधे कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने से, या यूएसबी केबल से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका आंसर है दोस्तों 4, यानी कि यूएसबी केबल से। जी हाँ, यूएसबी केबल में अगर लो पावर का कोई यूएसबी है तो उसके केबल से ही उसमें सप्लाई दिया जा सकता है आपके यूएसबी डिवाइस में। ओके, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था यहाँ पे कि एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव होता है जिसे पावर प्लांट, माफ कीजिएगा, पावर पॉइंट के टेक्स्ट का या कंटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो एक 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 विशेष होता है विजुअल और ऑडियो प्रभाव, यानी कि एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होता है किसमें पावर पॉइंट के टेक्स्ट में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे पावर पॉइंट और टेक्स्ट का कंटेंट पर यूज करते हैं उसको। ठीक है, एक विजुअल और ऑडियो जिसका इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन है एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या डिसॉल्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों एनिमेशन। जी हाँ, एनिमेशन के जरिए आप लोग देखते होंगे, मैं अगर आपको PPT देता हूँ जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लासेस में, उनमें आंसर जो है वो चलकर रहता है कहीं से। ठीक है, तो वो एनिमेशन दिया रहता है उस टेक्स्ट पे। ठीक है, और किसी भी ऑडियो पे भी देख सकते हैं या विजुअलाइजेशन पे भी दे सकते हैं एनिमेशन को। ठीक है, आप एनिमेशन के जरिए वीडियो भी चला सकते हैं पावर पॉइंट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है फिर से। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कैपिटल अक्षर में बदलने के चेंज केस बटन को क्लिक करते ही क्या होता है, क्लिक करते ही। चलिए, तो अपर केस की क्लिक करते ही जो होता है कैपिटल अक्षर हो जाता है, या फिर अपर ऑल की करते हैं, या फिर कैप्स लॉक करते हैं, या लॉक अपर करते हैं, या लार्ज साइज करते हैं। तो सेलेक्ट हुए टेक्स्ट को कैपिटल अक्षर में बदलने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो सेलेक्ट अक्षर है उसको कैपिटल अक्षर में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों अपर केस का। जी हाँ, अपर केस के जरिए जो सेलेक्ट हुआ टेक्स्ट है वो कैपिटल अक्षर में बदल दिया जाता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ पे ये हो चुका है 64 देखिए। एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सपेंशन, माफ कीजिएगा, एक्सपेंशन कार्ड किसमें लगाए जाते हैं, तो स्लॉट में, पेरिफेरल डिवाइस में, CPU में, द बैक ऑफ द कंप्यूटर में। तो आंसर यहाँ नीचे कमेंट कीजिएगा अपने, अगर आपको आंसर पता है तो। तो देखिए, एक्सपेंशन कार्ड जो होता है दोस्तों ये स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, चाहे किसी का भी हो, USB का हो, एक्सपेंशन कार्ड करना हो, अगर एक से ज़्यादा USB यूज़ करना है तो एक्सपेंशन कार्ड का यूज़ करते हैं हम लोग स्लॉट के जरिए। अगला सवाल है कि SMTP, FTP और DNS लेयर के एप्लीकेशन हैं, किसके एप्लीकेशन है, तो डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। देखिए, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके बेल्ट्रॉन के, तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। और इनफैक्ट जो बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट हैं वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो SMTP, ठीक है, FTP और DNS जो लेयर होते हैं एप्लीकेशन यूज करते हैं दोस्तों किसमें, तो नोट कर लीजिएगा, एक एप्लीकेशन में यूज करते हैं इसको। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिए, आंसर यहाँ पे 4 होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जरूरी पेरिफेरल जैसे कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव, पैरेलल और सीरियल पोर्ट को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, किसको कहते हैं हम लोग, तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जी हाँ, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जैसे कि एमएस विंडो का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, डॉस का यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भाग जरूरी पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव और पैरेलल और सीरियल पोर्ट को मैनेज करता है। तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नॉट अ हार्डवेयर। नोट कर लीजिएगा, आंसर होता है बी, यहाँ पे बेसिक इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे पेरिफेरल जैसे को उनको डिवाइस को कंट्रोल करता है यानी मैनेज करता है। साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसिंग जिसमें कि कंप्यूटर यूजर रिक्वेस्ट को तुरंत उत्तर देता है उसे क्या कहते हैं। तो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जो एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग होता है जिसमें कि कंप्यूटर जो है वो यूजर को रिक्वेस्ट का तुरंत उत्तर देता है यानी कि उसका जवाब देता है, तो वो होता है दोस्तों ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है बेल्ट्रॉन में, तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आंसर देख लीजिएगा इसका, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। नेटवर्क की डिज़ाइन को नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क की डिज़ाइन को नेटवर्क खाली जगह कहते हैं, कौन सा नेटवर्क कहते हैं, आर्किटेक्ट, सर्वर, ट्रांसमिशन टाइप या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, आंसर है ए, आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। तो नेटवर्क के जो डिज़ाइन होती है उसे नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बेल्ट्रॉन के लास्ट ईयर में। अगला सवाल देखें दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 169 है कि सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स जो कि दुर्भावपूर्ण इरादे की होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये किस तरह का वायरस है, ये जो आपके कंप्यूटर में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैम, मालवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इट्स अ फो मालवेयर। नोट कर लीजिएगा, इनको कहते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और जो कि दुर्भावपूर्ण इरादे की होती है, मतलब कि कुछ आपके कंप्यूटर को नष्ट कर सकती है, पर ये आपके कंप्यूटर में होना इनका जरूरी भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरह के वायरस होते हैं जिसे हम लोग मालवेयर कहते हैं, ठीक है, और जितने भी कंप्यूटर वायरस होते हैं वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, तो कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170, एक लॉजिक एरर जो प्रोग्राम के किस भाग में मिस्टेक होता है जो गलत और अनपेक्षित व्यवहार लिखता है। एक लॉजिक एरर जो होता है जो कि प्रोग्राम के किस भाग में मिस्टेक होता है ये बताता है। तो ये है दोस्तों 170 का आंसर कीजिएगा यहाँ पे, सोर्स कोड, जी हाँ, सोर्स प्रोग्राम होता है, एक लॉजिक एरर कहाँ होता है, तो किसी भी प्रोग्राम के सोर्स कोड में ही होता है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है और कोई गलती है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी मेमोरी को हटाया नहीं जा सकता है, इसका आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने कंप्यूटर से आप कौन सी इसमें मेमोरी है जिसको आप लोग हटा नहीं सकते हैं, तो आंसर नोट कीजिएगा, पी रोम, ठीक है। ओके, एक होता है EEPROM, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये देखो सब हार्डवेयर ही है, ठीक है, पर ये मेमोरी जो है ये आपका हटाया नहीं जा सकता है आपके कंप्यूटर से। ओके, चलिए अगला सवाल, यूनिक सिग्नल डिवाइस द्वारा जनरेट किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग इंटरप्टर, जी हाँ, इंटरप्ट कहते हैं। यूनिक सिग्नल यानी कि कोई पर्टिकुलर सिग्नल होता है, ठीक है, जिसमें डिवाइस द्वारा जनरेट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। ओके, चलिए
अगला सवाल देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है, जो डीएनएस क्या है। तो इसका देखिए डीएनएस क्या है, यहाँ पे आंसर है दोस्तों क्षैतिज नेमिंग सिस्टम। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो इंग्लिश में क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन कहते हैं क्षैतिज को, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा डोमेन नेम सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे, तो जितने भी एब्रिविएशन है अपने कंप्यूटर में वो सभी याद रखिएगा। वह तरीका जिससे कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में मैनिपुलेट करता है उसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है यहाँ पे प्रोसेसिंग। जी हाँ, ये क्या करता है, प्रोसेसिंग क्या करता है, जिससे कि कंप्यूटर डेटा इनको इन्फॉर्मेशन में मैनिपुलेट कर लेते हैं उसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। और XML का पूर्ण रूप क्या है, XML का पूर्ण रूप है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, XML क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपको बता दें कि जो इसका पूर्ण रूप है वो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि DBMS में डेटा खाली जगह द्वारा प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे इट्स अ टेबल। जी हाँ, टेबल के द्वारा जितना भी DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक तरह का, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो टेबल के जरिए सारे डेटा को दर्शाते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, इसका आंसर है टू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेल्ट्रॉन में, तो हो सकता है कि रिपीट भी किया जा सके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सारे कैलकुलेट कंप्यूटर से जितने भी आएंगे वो हम आप तक शेयर करेंगे, और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी देख कर जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और ये है कंप्यूटर विश्वसनीय होते हुए परंतु वे क्या नहीं होते हैं, कंप्यूटर इतने जो फेथफुली होते हैं पर वे क्या नहीं होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, पावरफुल नहीं होते हैं, इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, चीप नहीं होते हैं, तो आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर विश्वसनीय होते हुए भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसको तो बनाने वाला खुद मानव ही होता है, और मानव से इंटेलिजेंट ये हो नहीं सकते हैं। किस आधार पर कंप्यूटर के नेटवर्क को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा डिस्टेंस। जी हाँ, किस आधार पर कंप्यूटर के नेटवर्क को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि उसको बताया जा सकता है इसके बारे में, कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतना उसके बारे में हम लोग वर्गीकृत कर पाएंगे। रिकॉर्ड का एक एक्सेस करने का तरीका होता है, रिकॉर्ड को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, वो कहलाता है सिक्वेंशियल और रैंडम दोनों ही। किसी भी अगर रिकॉर्ड को हम एक्सेस करने का एक तरीका क्या होता है, तो सिक्वेंशियल तरीके से भी और रैंडम तरीके से भी इसको हम लोग नोट करते हैं। ओके, रिकॉर्ड्स को। अगला क्वेश्चन देखें, रैम जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होता है PROM और एक होता है EEPROM। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रोग्राम जो इंटरक्शन को एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों इंटरप्रेटर। जी हाँ, इंटरप्रेटर कहलाता है, जो एक एक लाइन को यहाँ पे ट्रांसलेट करता है हर प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो ये यूनिट का भाग नहीं है, सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, आंसर है दोस्तों हार्ड डिस्क। जी हाँ, हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसे हम लोग अलग से सिस्टम यूनिट में डालते हैं, जबकि CPU मदरबोर्ड और रैम जो है वो सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है। निम्नलिखित में क्या विभिन्न विकल्प है, यानी कि थोड़ा सा अलग क्या है इसमें। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ISP। जी हाँ, ISP क्या है, देखिए ये जो HTTP है और आपका जितना है ये आपका, देखिए यहाँ पे HTTPS और FTP जितने भी हैं सब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं, पर जो ISP है वो क्या है दोस्तों, तो ISP है आपका
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ये, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पर ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफर के काम आते हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 85 से देखते हैं, कौन सी नेविगेशन की है। तो नेविगेशन की, देखिए के ई वाई की यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा हिंदी में सारे प्रश्न हमें मिल पाए हैं तो इसलिए हम लोग हिंदी में शेयर किए हैं आपको, कौन सी नेविगेशन की है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ एरो, ठीक है, इट्स अ एरो, एरो जो है वो क्या है, नेविगेशन करता है यानी हमें रास्ता दिखलाता है। बाइनरी में क्या है जो ऑफ स्टेट कहलाती है, 0, 1, 3, 4 या 5, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ 0, ठीक है, और 1 क्या कहलाता है, तो ये ऑन स्टेट यानी कि ये चीज़ काम कर रहा है ये बताता है, और बाइनरी में 0 क्या दिखलाता है, तो ये काम नहीं कर रहा है यानी कि 0 स्टेट पे है। टेक्स्ट जो होता है, जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल, देखिए यहाँ पे 87 का आंसर कीजिएगा, कंट्रोल इंसर्ट पहले करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल इंसर्ट का, ठीक है, और फिर उसके बाद सी करते हैं, इंसर्ट सी, इंसर्ट की जगह पर सी दबाते हैं, फिर कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रैम जो है किस तरह का मेमोरी का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, इंटरनल, मेन या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ मेन, जी हाँ, रैम जो है एक मेन मेमोरी का उदाहरण है। और 89 में है क्या है, फ्लैश जो है वो किस तरह का उदाहरण है, जो फ्लैश हम लोग यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो किस तरह का उदाहरण है दोस्तों, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का काम करता है फ्लैश। और 190 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है, तो ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, तो आंसर नोट कीजिएगा, SQL, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बेल्ट्रॉन में सभी आए हुए हैं प्रश्न, तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 91 से, टोटल 200 प्रश्नों में का क्वेश्चन है, 60 से लेके 200 यानी कि 40 क्वेश्चन है, तो आप सभी प्रश्नों को देखिए, इसका ये पहला पार्ट है आज के दिन, और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे जितने भी प्रश्न हमें मिल पाएंगे बेल्ट्रॉन के, वो सभी आप तक शेयर करेंगे अपने चैनल पे। निम्नलिखित में से यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, यूटिलिटी का उदाहरण नहीं कौन सा है इसमें, तो ये कंपाइलर यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन कराता है और उसमें एरर फाइंड भी करता है। इंटरनेट पर वेब को ब्राउज करना क्या कहलाता है, इंटरनेट पर वेब को ब्राउज करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है नेट सर्फिंग, ठीक है। चलिए प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है, प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन कहलाता है, तो जितने भी डेटा होते हैं वो एक तरह के इन्फॉर्मेशन ही होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। AMD जो है प्रोसेसर में, AMD का पूर्ण रूप क्या है, तो AMD का पूर्ण रूप होता है दोस्तों एडवांस माइक्रो डिवाइस। ओके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है बेल्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों, जी हाँ, ये किया जाता है कन्वर्ट अलोंग टू द डिजिटल एंड द डिजिटल टू द एनालॉग सिग्नल्स को, ठीक है। हम लोग मॉडेम, अगर आप इंटरनेट चलाते होगे, वाईफाई का यूज़ करते होगे, तो आप उसको मॉडेम कहते हैं, तो वो क्या करता है, तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉडेम। ओके चलिए, और ये अब आज के 5 प्रश्न आखिरी हैं, मॉडल OSI मॉडल के किस लेयर के कार्यरत होते हैं, तो नोट कीजिएगा, ये होते हैं दोस्तों फिजिकल, ठीक है, OSI मॉडल जो होते हैं वो फिजिकली कार्यरत होते हैं। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, तो यहाँ से नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके चलिए, इनमें से कौन विभिन्न विकल्प है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, देखिए 198 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैंक में भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो कि अलग है इन लगों में से, सारे के सारे जो हैं वो मेमोरी हैं, और ये जो रोम है ये एक फ्लैश मेमोरी है, कैशे है, ठीक है। चलिए ये जो है आपका कौन सा कमांड के अम्ल को प्रक्रिया है, फेचिंग, स्टोरिंग, एक्सिक्यूटिंग, डिकोडिंग या इनमें से कोई नहीं, तो जो
है आंसर यहाँ पे वो है दोस्तों एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग कमांड जो है ये अमल की प्रक्रिया है, यानी कि एग्जीक्यूट करना यानी कि रन करना, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी कि रन करना और उसका आउटपुट दिखलाना, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन हमारा आखिरी प्रश्न है आज का कि स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र को जो प्रोग्राम डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वो निम्नलिखित है, टाइटल बार, बटन, डायलॉग बॉक्स या विंडो। तो आंसर नोट कीजिएगा इस विंडो, ठीक है। हम लोग जो आउटपुट देखते हैं स्क्रीन के आयताकार जो क्षेत्र पे, ठीक है, प्रोग्राम डेटा या इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें वो हम लोग कहाँ देखते हैं, तो विंडोज़ पे देखते हैं। ओके, याद रहेगा विंडो यानी कि आपका स्क्रीन, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जितने भी हम लोगों को यहाँ प्रश्न मिले थे वो आप तक हम लोग यहाँ पे शेयर किए हैं, और आपसे आशा करते हैं कि सारे प्रश्न के आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में एक जगह, क्योंकि और भी प्रश्न जितने कंप्यूटर से पूछे गए हैं बेल्ट्रॉन में वो सभी आप तक हम शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बिहार बेल्ट्रॉन के और भी प्रश्न लेकर आएंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे और पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।